आपको आस्था का एक और चीज दिखाते हैं। ये एक बस आई है और ये इसको ऊपर जितने आप देख रहे हैं ना, ये सब अगले साल वाले हैं, ये सब यहाँ डंप करने के लिए आए हैं। ये अगले साल ये लोग इस काम को किए थे, इस साल इसको डंप करने के लिए आए हैं और ये पूरा बस में जो है लाद के लेके आए हैं। और फिर ये जो है ये जो है अभी देखेंगे इस तरह जो है इसमें पानी नहीं है, ये डंप करने के लिए जो है अगले साल इन्होंने वो पानी वाला चीज किया था, इस साल ये जो है इसको डंप करने के लिए ये यमुना ये गंगा में डालने के लिए लाए हैं इसको। ये कहाँ डालेंगे? गंगा में डालेंगे। कहाँ से आए आप? मुजफ्फरनगर से आए हैं। इसको अगले साल ले गए थे आप? अच्छा, इस साल गंगा में डाल देना है। आप देख सकते हैं इस तरह जो है ये सब जब डालने में आया है। कल देखते हैं कहाँ जाओगे? नमस्कार सरदार जी, आप कहाँ से आए हैं? मेरे आप लोग कहाँ से आए हैं? यूपी से। कहाँ पर? मुजफ्फरनगर से आप लोग भी आए हैं। तो ये अगले साल आप लोगों ने पानी वाला ले गया था, तो ये जो है इस साल इसको कहाँ डालना है? इसको यहाँ से बना के फिर लेके जाएंगे। अच्छा, ये तो डाल देंगे इसको? नहीं, ये खाली टेंडर रहेगा। हाँ, अच्छा अच्छा, बाकी सब अलग हो जाएगा, नदी में डाल देंगे। अच्छा, धन्यवाद। देखिए हम लोग का काम खराब हो गया, कोई सवाल नहीं। तो अब ये देख सकते हैं कि इस तरह जो है ये सब चीज जो है ये नदियों में डाले जाएंगे। तो इस तरह हमारे भारत की नदियाँ कितनी प्रदूषित होगी, ये सोचने वाली बात है। ऐसे हजारों लाखों बसें आ रही हैं और लोग आ रहे हैं और नदी में डालेंगे। हमें देखना होगा, समझना होगा। आस्था का भी समस्या है, इस आस्था का समस्या को देखना होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।